नाज़रीन आवाज़ न्यूज़ में भलीकार आऊं आया बशारत सुमरो नज़र वजंदासीं ख़ास ख़बरुनि ते। सिंध के वे वजीर सैद मुराद अली शाह सिंध में वधंदड़ कोरोना वायरस के केसन से गिनती जाहिर कर छी। सैद मुराद अली शाह की सदारत हेठ टास्क फोर्स जो इजलास कराची में शाम 6 वगे बाद गैर जरूरी तौर घर का बाहर निकलने से मुकम्मिल पाबंदी लगाई वे। आई जी सिंध के हिदायत कराची में इन वक्त 26.32 सैकड़ों केसिस हैं। सेहत वाले सेक्रेटरी काजिम जदोई की इजलास की ब्रीफिंग। वे वजीर की सर्विसिज औरंगी अस्पताल में टेंट लगाए मरीजन ला इंतजाम करण की हिदायत कोरोना सूरताल बाबत वे वजीर कमेटी जोड़े छी। कमेटी में मुर्तजा वाहब नासिर हुसैन शाह अवैस कादिर शामिल। मुराद अली शाह चवे तो कोरोना केसिस सख्त परेशानी की गाल है। हैदराबाद में 10 सैकड़ों केसिस खबर पी है ट्यूशन सेंटर हलन पाया जे तुरंत बंद क्या वा केर भी गैर जरूरी घर का बाहर न निकरे सूरत हाल बेहतर न थी तो कदम खया वा कोरोना सूरत हाल से का भी सियासत न थे घुर्ज। मुल्क में कोरोना वायरस जहाँ जारी 39 मरीज पौती वह फोतन जंग 23,087 थी। 24 कलाक दौरान 2,282 नवा केस रिपोर्ट मजमू अंग 10,11,708 थी। अल तीन 9,28,722 मरीज वायरस के शिकस्त दे एहतियात थी चुका। कोरोना वायरस की आकारी शरह 6.6 सैकड़ों रही। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत से अज वफाकी काबीना जो इजलास 20 नुकाती एजेंडा से गौर किया वो। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले से तफसीली गाल बोल थी। काबीना डोहन बाबत FIA जी नेशनल पॉलिसी एग्रीकल्चर रिसर्च के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ECC तवानाई बाबत कमेटी के फैसलन की मंजूरी दी। दांदली बावजूद कश्मीर के आवाम बिलावल भुट्टो से एतमाद जो इजहार किया। PTI कश्मीर की चूंडन में दांदली करे कश्मीर खास नुकसान पहुंचाया है। तवानाई वाले सूबाई वजीर इम्तियाज शेख जो बयान चवे तो सिंध से कब्जो करण की साजिश बिली के ख्वाब में छिछड़ा नजर अचान बराबर आन। वजीर आजम सिंध के चूंडियल हुकूमत खिलाफ छुटल कारतूसन के गड किया। सिंध जो आवाम बाशऊर जमहूरियत पसंद है। PP जो इंदड़ हदफ मुल्क कौम के PTI का छुटकारो दियण है। सिंध हाईकोर्ट खुर्शीद शाह की जमानत वाली दरख्वास्त रद्द कर छी। आमदनी का वधीक असासा रेफरेंस जो फैसलो जल्द करण जो हुक्म। अदालत दलील बुधण का पोए 12 जुलाई ते फैसलो महफूज किया हो। घोटकी में डिग्री कॉलेज सामू मोटरसाइकिल शोरूम जो मालिक मुबैना तौर अगवा वसीम अबड़ो के अणजातल हथियार बंद अगवा कर वह। कोयटा के हजारगंज वे इलाके में कार इल्जाम हेठ बिटो कतल जवाबदार गोलू हणी नौजवान पंजे घरवारी के कतल कर छो। कंदकोट वेझो घोट दोस्त मोहम्मद जखराणी में घर अगैं रांद कदे निंगरी बुढ़ी फोत थी वही। निंगरी बख्तावर जो लाश एक कलाक का तलाब में कड़ी अस्पताल पहुंचाए पो। सिंध के मुख्तलिफ शहर में पानी की खोट खिलाफ आबादगार सरापा एहतजाज पिणल कंबर वारे बदीन डोकरी बेन शहर में पानी खोट खिलाफ मुजाहरा कर धरना हया पाया।